चलिए अब यहां से सीधे रुख कर लेते हैं टुडेस ट्रेड का। टुडे स्टेट में हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों आधार पर स्टॉक का चुनाव होता है। बताइए विनोद, आज के लिए कौन सा शेयर है? दीपाली, आज फंडामेंटल तो नहीं, आज टेक्निकल्स के साथ डेरिवेटिव्स जरूर शामिल हैं और बड़े दिनों के बाद याद है आई एक शॉर्ट ट्रेड की। बहुत दिनों बाद अगर आप देखें, और मैं सीमेंट में सुबह से कह रहा हूँ कि पेन है। आज टुडे स्टेट में शामिल है अंबुजा सीमेंट। फ्रंट लाइन में देखिए थोड़ी एग्रेसिव कॉल है, लेकिन याद रखिए मैं हमेशा जब कोई भी ट्रेड इसमें सजेस्ट करता हूं तो उसके पीछे एक कारण होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड सेकंड थिंग इज बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मुझे मालूम है मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मैं एक बड़े अच्छे आई थिंक फर्स्ट मूवर एडवांटेज को टच कर रहा हूं। क्यों? देखिए ऑलमोस्ट ये स्टॉक चलना शुरू हुआ था मई थर्ड वीक में इसने आया, तेजी दिखाई, अपने 200 EMA को 100 को 50 को पार किया। उसके बाद आप देखिए 210 से स्टॉक 280 चला गया, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि सितंबर के डिफरेंट क्लस्टर्स में, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में और अब थर्ड वीक में, और स्पेशली शुक्रवार को जो इसने वीकनेस इंडिकेट करी है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, 5 दिन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स के साथ इसने 50 EMA को वॉलेट किया। लग ये रहा है कि ये 258 और 256 का अपना बेस जो कि अगस्त और सितंबर का बेस है उसको वॉलेट करने जा रहा है। याद रखिए 250-53 मैंने इसलिए लिया है, दैट इज 100 EMA माइट भी वहाँ पर रुक सकता है, लेकिन अगर ये ट्रेड ग्रिप में आ गया तो ये कॉन्फिडेंस आपको कल ये देगा कि बॉस रख ले। डेरिवेटिव्स में क्या हुआ, डेरिवेटिव्स में अगर आप देखें इसमें शॉर्टिंग हो रही है वायदा कारोबार में, और साथ ही साथ अगर आप देखें कॉल राइटर्स जो थे ना वो काफ़ी मशरूफ रहे हैं इस स्टॉक में, 260 पे, 265 पे, 270 पे, 275 पे। तो मैं कॉल राइटर के कन्विक्शंस को देखने के बाद शॉर्ट कॉल ले रहा हूँ, एंड स्पेशली यहाँ पे 250, 255, 200 ये दो तीन पुट्स है ना, इसमें करीब करीब 55,000 शेयर जुड़े हैं। अगर आप शॉर्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़ नेक्स्ट मंथ की इसकी कम से कम नहीं तो 250 की पुट लेकर रख लीजिएगा, पैसा बन जाएगा, जरूर बनेगा। 250 का आज इंट्राडे लक्ष्य है, माइट भी अगर एक दो दिन के अंतराल से आए तो भी रखिएगा, लेकिन अगर ये क्लोज हो जाए 255 के नीचे तो ये शॉर्ट आप रोल भी कर सकते हैं। तो इट्स एन एग्रेसिव वन बट विद अ वेरी रिस्क मैन स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दीपाली जी, तो टुडे ट्रेड में आज बिकवाली की राय है अंबुजा सीमेंट पर, शॉर्ट पोजीशंस आपको बनानी है 250 के लक्ष्य के लिए, 263 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। गौरांग, सीमेंट के साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव फ्राइडे के सेशन में देखा है, स्पेशली एक्सिस बैंक जहां पर 5-6% का फॉल आया, आपकी कवरेज में भी एक्सिस बैंक, क्या ऑन डेप्थ जो फॉल मिला हमें प्रीवियस सेशन में 5-6% का, उसके बाद खरीदारी करनी चाहिए निवेश के लिहाज से या फिर थोड़ा ठहरना चाहिए अभी? और देखिए, निश्चित होकर पहले तो खरीदारी करिए, और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो कम से कम शुरुआत तो कीजिए। 5% से ज़्यादा की गिरावट हमने शुक्रवार को देखी है, और शायद वोलेटिलिटी FNO के चलते आप बैंकिंग निफ्टी या बैंक एक्स में देख सकते हैं, जिसके कारण निजी क्षेत्र के बैंक और सरकारी बैंक दोनों में ही आपको दबाव देखने मिलेगा, और हर एक निचले स्तर पर हम कवायद करेंगे कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। मुझे ये नहीं पता अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब क्रेडिट पॉलिसी आएगी उसमें ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं होगी, लेकिन तिमाही नतीजे के जो के आधार पर मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो बीता हुआ कल था मायूसी भरा बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के, GNPL को लेकर के, वो अब इतिहास हो चुका है और धीरे धीरे आपको सुधार होते हुए दिखेगा। और अगर ब्याज दरों में कटौती अभी नहीं तो दिसंबर में या फिर मार्च 2017 में होती है, और लोन ऑफटेक भी आपको देखने मिलता है, कॉरपोरेट, रिटेल, कंज्यूमर एक्सेट्रा। तो मुझे लग रहा है कि निजी क्षेत्र के बैंक्स आउट परफॉर्मेंस जिस तरीके से हमें दिखा रहे थे पिछले 2-3-4 वर्षों से, वो अभी लंबा समय बाकी आउट परफॉर्मेंस को जारी रखने के लिए, और उसमें एक्सिस बैंक हमारी कवरेज है, 680 का टारगेट हमने निर्धारित किया है, ये बहुत ही कॉन्जर्वेटिव टारगेट है दीपाली। नतीजे में सुधार आया, हमारी उम्मीद है उससे ऊपर, तो शायद हम इसको ऊपर की तरफ और रिवाइज करेंगे। चलिए, ये बैंकिंग पे आपकी राय थी और एक्सिस बैंक वॉज द कल्प्रिट शुक्रवार को, लेकिन उससे पहले एक मैं जय आपका भी आउटलुक चाहूँगा, इंडेक्स की जो प्राइस परफॉर्मेंस रही, यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग शॉर्ट ऑन इंडेक्स, निफ्टी 50-51 स्टॉक्स में अगर आप देखें जो है प्राइस बिहेवियर, इसमें शॉर्टिंग के लिए सबसे वाजिब स्टॉक कौन सा लग रहा है आपको? मैं दो प्रोस्पेक्टिव से पूछूंगा शॉर्टिंग के लिए, और मैं नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा पुट्स पे काम करना चाहता हूँ, मान लीजिए एज ए क्लाइंट बात कर रहा हूँ आपके, क्या राय देंगे?
वेल वीरेंद्र, अगर आप देखो तो ओवरऑल वीकनेस जो ज़्यादा हमें देखने मिली है वो कारण एक रहा है बैंकिंग स्पेस, जिसमें एक अच्छा मूव हमें डेफिनेटली फ्रॉम फेब्रुअरी मार्च लोस देखने मिला, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही बैंक्स जो है उसमें वीकनेस कहीं ना कहीं देखने मिल चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ICICI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एक्सिस बैंक हो, इस आरओई में एक अच्छा एक मूव खत्म हो चुका है। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ICICI बैंक जहाँ पे एक अच्छा वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है, आई थिंक वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर PSU बैंकिंग स्पेस में अगर मैं देखने जाऊँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छा वेज पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो वहाँ पे भी एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो बैंकिंग स्पेस वुड बी द फर्स्ट वन। वीरेंद्र, अपार्ट फ्रॉम दैट, सीमेंट जो आपने जिक्र किया, आई थिंक सीमेंट भी मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है, काफ़ी ओवरबोट टेरिटरी से अब सारी स्टॉक सीमेंट सेक्टर के अंदर एक रिवर्सल दिखा रहे। तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या तो एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट उसमें से हमारी एक टॉपिक रहेगी ऑन द सेल साइड, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 3840-50 तक के लेवल्स ऑन डाउन साइड इमीडिएट बेसिस पर देखने मिल सकते हैं वहाँ पे। सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जहाँ पे मैं शॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रिकमेंड करूँगा ट्रेडर्स को।